और यार ये लॉकडाउन ने ना लोगों को ना बहुत सारी चीजें सिखाई हो या ना सिखाई हो, बट एक चीज जरूर सिखा दी है इस लॉकडाउन ने। जी मैंने बाइक लेके जाने का सोचा था, बट अभी लेट हो गए हैं तो गाड़ी में ही चलेंगे। इस गाड़ी ने यार आदतें खराब कर दी हैं थोड़ी सी मेरी। चलो जी स्टार्ट हो जा। लो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। चलो जी चले आज। बात करने में ना बहुत गहलो हो गए हैं, प्रो नहीं हुए, मीडियम एक्सपर्ट हो गए। सो हेलो जी, क्या हाल है? मेरा नाम है सिमरन बिंद्रा और हाल फिलहाल प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि आज है 18/5/2021, टाइम हो रहा है कुछ 8:40 और हम निकले हैं अपनी वर्क प्लेस की तरफ से, क्योंकि जो पंजाब में इनिशियली लॉकडाउन था उसमें तो हमारा वर्क प्लेस बंद था। तो अभी हमारा वर्क प्लेस 50% पे काम करना शुरू हो गया है, तो 50% स्टाफ को बुलाया गया है। तो अभी हम वहां जाएंगे, काम धंधा करेंगे और फिर वापस आएंगे, बट आपसे कुछ बातें भी करेंगे साथ के साथ। अभी चक्कर कुछ ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। वैसे हमें 30 मिनट लेके चलने चाहिए अगर हमने जल्दी पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, बट फिर भी अभी क्या कर सकते हैं। मैं अभी ऑलमोस्ट लगा के चलिए 10 मिनट की देरी से मैं चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो विधि ऐसा यार, एक चीज ना मैंने हमेशा नोटिस की है कि जब भी हम जा रहे होते हैं ना और जल्दी में होते हैं तो तभी हमेशा रेड सिग्नल होना होता है। वैसे आगे पीछे तो जितना मर्जी पहले निकल जाओ तो वैसे तो ग्रीन सिग्नल रहता है। सो हमारी ये रेड सिग्नल क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हुए हमारी देरी में, बट यार हमारा तो ऐसा है हमने जाना है आराम से, चाहे हम हो जाए लेट 5 मिनट 10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से जाएंगे भाई साहब। और यार ये लॉकडाउन ने ना लोगों को ना बहुत सारी चीजें सिखाई हो या ना सिखाई हो, बट एक चीज जरूर सिखा दी है इस लॉकडाउन ने, और वो है कि भाई साहब आपका काम ना घर बैठे भी चल सकता है। यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड डू योर बिजनेस। ऑलमोस्ट यार हर एक चीज ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए तो ये लॉकडाउन में काफी अच्छा बूस्ट रहा है। तो भी यार यहाँ पे ना अमृतसर में ये जो अल्फा वन वाला फ्लाईओवर है यहाँ पे और देरी में ऐड करता है, बिकॉज यहाँ पे स्पीड लिमिट लगा रखी है 50 किलोमीटर/hr। तो यहाँ पे अब ना पता नहीं लगता यार, जब तक इस नुक्कर तक नहीं पहुंचते इस पाटे खड़े हैं कि नहीं, वो रैंडम चेक ही हो जाता है इनका। कई बारी स्पीड गन लेके खड़े होते हैं और अगर 1, 2, 3, 5 किलोमीटर भी ऊपर है तो भी रोक लेंगे आपको, और फिर अच्छा सा चलान करते हैं आपका। और अभी जैसे कि ये नहीं खड़े तो यहाँ पे एज यूजुअल लोग भगाते चलते जा रहे हैं, बट जब खड़े होते हैं तो फिर तो लोकल्स जो है अमृतसर वाले उनको तो पता है, और जो बाहर के आते हैं इधर और फ्लाईओवर से जाते हैं वो तो ऑलमोस्ट कह लो पकड़े ही जाते हैं। तो अभी जी लगभग बज रहे हैं 3:20 और हम हो गए हैं फ्री भाई अपनी वर्क प्लेस से, और अभी हम जा रहे हैं यार थोड़ा सा काम है, दो कुछ साइटें हैं वो देखनी है यार, तो वो जाके देखेंगे काम धंधा कैसा चल रहा है उधर, कैसी हमारी जो साइटें हैं निकल के आ रही हैं। और यार रही बात काम की ना, यार ये वर्क प्लेस पे मैं अपनी आप लगा सकते हैं मैं 14-15 दिनों के बाद आया हूँ, और गर्मी का तो प्रकोप आप पूछिए मत, अभी बाहर लगभग 40 डिग्री है। हाँ धूप थोड़ी अभी हटी है बट गर्मी एकदम जबरदस्त वाली। ये हमारा दोस्त हमें फिर से मिल गया, वो चला गया।
अभी लगभग पता नहीं कितने बज रहे हैं और हम आए हैं सैर करने। ये देखो मदरमा, इसको कॉल आया था आज मेघादी का, इसकी दीदी का। पौना घंटा दीदी ने इसे मोटिवेट किया है कि भाई डाइटिंग कर और पतली हो जा, है कि नहीं? तो आपका क्या विचार है डाइटिंग के ऊपर? I am on. खाऊंगी छोले भाई, मेरा तो ऐसा है कि देखो खाओ पियो दबा के, बट एक्सरसाइज ज्यादा कर लो ना, उतने कैलोरीज बर्न कर लो ना। अरे पर मेरे को है ही नहीं कंसर्न। I have no concern. मतलब खाओ पियो जी। तो हमारी बात हो रही थी डाइटिंग के बारे, है कि नहीं? पौना घंटा इस बंदी को लेक्चर सुनाया दीदी ने कि यू हैव टू डू इट, बट करेगी कि नहीं? बट क्वेश्चन मार्क आ जाता ना, तेरा शेड्यूल जो है बहुत टाइट रहता है, तेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। Then we have already lived half of our lives, है ना? Then आधी बची है थोड़ी बहुत। Just do things on yourself, अपने लिए जिए, अपनी आपको फिट रखें। तू ऐसे करना, जहाँ तो तू चैलेंज ले, ठीक है? अगर तो तू चैलेंज लेती है तो 10 दिन का ले ही नहीं। अगर मुझे चैलेंज जीतने पे तुम्हारी तरफ से 1 करोड़ रुपया मिलता है तो मैं ले लूंगी। फिर तो ये बहुत मतलब ही नेचर हुआ ना। अरे मजाक कर लिया, मैंने अगर कुछ करना है अपने लिए करना है, किसी और के लिए थोड़ा करना। तो फिर कब से शुरू कर रहा है? अभी नहीं, हम शुरू करेंगे जब ये शुरू करेगी तो मैं बताऊंगा। कल से देखते हैं, कल आने पे कल आपको अपडेट करेंगे कल इसने शुरू किया कि नहीं कुछ। ये मेरे को कहती होती है कि दर्शकों को बिल्कुल नहीं कहना कि आज ब्लॉग में कुछ नहीं है। भाई देखो ब्लॉग है क्या, जो आपकी जिंदगी में डेली दिनचर्या चल रही है, दैट इज व्हाट ब्लॉगिंग इज। अरे आज पूरा दिन तो हम अलग अलग थे। तो क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। So what? Making a vlog. Still we are making our bakwas vlog. Not bakwas. It is very good. It is good for us and many other people who like us. So let us see. Now that what we have to do. हाँ, सबसे important चीज जो मैं रोज इसको पूछता हूँ, भाई खाने में क्या मैं लेकर आता हूँ? भाई अगर पतले होना है ना तो खाना भूल जाओ। ऐसा तो भाई कोई वो नहीं है शेड्यूल की पतले होना तो खाना भूल जाओ। हाँ, ये जो राजमा चावल छोले छोले चावल ये वो ये सब भूल जाओ। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज करो ना, स्टार्ट ईटिंग सॉटे वेजिटेबल्स। जी हमारी मुतरमा खाना रेडी है, आइए। खाना रेडी है। अरे इसमें मैंगो तो भूल ही गया यार, मम्मा ने ही लिया है ना मैंगो। तुम ये क्या मतलब हुआ यार? अरे मैंने इतना सुंदर खाना सजाया आज। तो आज है खाने में हमारे पास चने चावल खीरा प्याज नींबू चने चावल एक्स्ट्रा चने करेले। Didn't mention. करेले तो तू खाएगा, मैं तो नहीं खाता। खाओ पियो दबा के, इससे अच्छा है कि एक्सरसाइज कर लो, अपना पेट मत मारो। पहली चीज अच्छी करने जा रहे वो है कि हम टाइम पे खाना खाने जा रहे हैं। टुडे आवर डिनर इज ऑन टाइम, दैट इज वेरी गुड। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मुतरमा आवर डिनर इज ऑन टाइम। थैंक यू। चल भाई शुरू कर। So, अभी हम पढ़ेंगे भूखे नंगों की तरह रोटी को। तो सबसे अच्छा और स्वादिष्ट फ्लेवर है कि जब भी चने चावल खा रहे हो, कईयों को तो ऐसे सादे ही पसंद है, बट मेरे को ना ये थोड़ा सा नींबू डाल दो भाई साहब। आहा, अब जो आता है ना मजा खाने का। थोड़ा सलाद की तरफ भी ध्यान दें आप। हाँ दे रहा हूँ, खाऊंगा मैं सलाद। ओहो अब खा के देखिए। ओ भाई करेला खाओ। अरे नहीं करेला तो खाना मैं नहीं खाता। सब्सक्राइबर्स टेल हिम टू ईट करेला। ओके सभी जी, आज की वीडियो जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये जो मुतरमा है ये लगी हुई है अपना डाइट प्लान देखने यूट्यूब पे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हंसते रहें और खुश रहें।